टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बजट 2024। ऐसे तो बजट में डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हम अक्सर टैक्स लैब रेट्स ही देखते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि बजट में और क्या देखना चाहिए एंड वो हमें और हमारी इकोनॉमी पर कैसे अफेक्ट डालता है। तो इस वीडियो के थ्रू हम एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करेंगे ताकि हम ये समझ पाए कि एक बजट में देखना क्या चाहिए, एंड इसे हम 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, इंसेंटिव्स, फिस्कल डेफिसिट एंड हमारा फेवरेट टैक्सेस। और हाँ, 1 फरवरी 2024 को गवर्नमेंट इंटरिम बजट प्रेजेंट करेगी, ना कि एनुअल बजट। अब आते हैं हमारे बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन पे कि इंटरिम बजट क्यों प्रेजेंट होगा, एनुअल बजट क्यों नहीं, एंड ये इंटरिम बजट होता क्या है। एज वी ऑल नो, ईयर 2024 इज द ईयर फॉर जनरल इलेक्शंस। तो जिस साल इलेक्शंस होते हैं उस साल इंटरिम बजट प्रेजेंट किया जाता है, विच इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2-4 मंथ्स। ऐसा इसलिए बिकॉज जब भी इलेक्शंस होते हैं उसके बाद नया स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, फिर चाहे नई गवर्नमेंट आए या फिर रूलिंग पार्टी ही चार्ज ले। इस इंटरिम बजट पर बेसिकली फोकस किया जाता है गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर, प्राइमरीली अमंग अदर थिंग्स। तो अब बात करते हैं कि बजट में देखना क्या चाहिए। सबसे पहली कैटेगरी आती है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की। अब इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारी कंट्री या फिर हमारी इकोनॉमी एक स्टूडेंट है और हम उस स्टूडेंट की पेरेंट टीचर मीटिंग पर जा रहे हैं जहां पर उसका रिजल्ट डिस्कस होने वाला है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा एंड आने वाला स्कोप कैसा है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी की ग्रोथ का, जो ये बताता है कि कंट्री की इनकम कितनी ग्रो की। दूसरा पैरामीटर होता है पर कैपिटा जीडीपी का, जो ये बताता है कि एक कंट्री के एक सिटीजन की ऑन एन एवरेज इनकम कितनी ग्रो हुई। तीसरा पैरामीटर आता है ईपीएफओ मेंबरशिप का। ईपीएफओ मतलब इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये बताता है कि कंट्री में इम्प्लॉय ग्रोथ कितनी हुई। फोर्थ पैरामीटर आता है नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन का लेवल क्या है। एंड फिफ्थ पैरामीटर आता है हमारे पास इंश्योरेंस कवर का, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन के पास लाइफ एंड इंश्योरेंस कवर का कुशन कितना है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर्स पे एक्सपेंडिचर करती है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन, प्रोवाइडिंग हाउसिंग, इरेडिकेशन हंगर, इंप्रूविंग सैनिटेशन एंड डिफेंस। अब जो एक्सपेंडिचर हाईवेज, स्कूल्स, इन सबकी कंस्ट्रक्शन में लगाया जाए उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एंड वो एक्सपेंडिचर जहां पर गवर्नमेंट उन हाईवेज को मेंटेन करती है या फिर नर्सेज एंड टीचर्स की सैलरी देती है उसे करंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। कई ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स या फिर इन्फ्यूजिंग कैपिटल इन पीएसयूज। लेकिन कई ऐसे भी एक्सपेंडिचर होते हैं जहां से गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं आता फिर भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, जैसे स्पेंड्स ऑन कंजम्पशन एक्टिविटीज लाइक सब्सिडीज। अब गवर्नमेंट के ये एक्सपेंडिचर्स हमें ये बताते हैं कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है एंड आने वाले टाइम में फोकस क्या होने वाला है। इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज सेक्टर्स कैन एक्चुअली हेल्प यू फ्रेम बेटर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। अब आते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी पर, जो कि है इंसेंटिव्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट की। इस कैटेगरी से बजट में क्या देखना चाहिए उससे सबसे ज्यादा हेल्प होती है बिजनेस ओनर्स को, क्योंकि बिजनेस ओनर्स को इससे ये पता चलता है कि उनको क्या इंसेंटिव्स मिलने वाले हैं, क्या उनके फेवर में कोई पीएलआई स्कीम अनाउंस हुई है, कोई टैक्स रिबेट मिल रहा है या फिर कहीं पर फ्री ट्रेडिंग जोन्स ओपन अप हो रहे हैं या नहीं। इसके अलावा वन शुड ऑल्सो लुक फॉर कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर क्या ऑफर कर रही है इन द बजट, फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट लोन्स या फिर इंटरेस्ट फ्री लोन्स एक्सेट्रा। एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल सपोर्ट, एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए कि गवर्नमेंट कौन से पीएसयू सेक्टर्स में कैपिटल इन्फ्यूज कर रही है एंड कौन से पीएसयू सेक्टर्स या फिर कंपनीज में से डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब आता है हमारी फोर्थ कैटेगरी, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। अब क्योंकि गवर्नमेंट इतना सारा एक्सपेंडिचर कर रही है तो फिस्कल डेफिसिट का नंबर देखना भी जरूरी हो जाता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है जब एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा हो। आइडियली ये नंबर जितना कम हो उतना ही बेटर होता है, बिकॉज इस गैप को फंड करने के लिए गवर्नमेंट बोरोइंग्स करती है। तो जितना कम फिस्कल डेफिसिट उतनी कम बोरोइंग्स। एंड बजट में हमें ये भी देखना चाहिए कि गवर्नमेंट कितना बोरो करने वाली है एंड कैसे बोरो करने वाली है, एज इन डोमेस्टिक बॉन्ड्स, इंटरनेशनल बॉन्ड्स, INR डिनोमिनेशन में होंगी या फिर USD की डिनोमिनेशन में।
अब आते हैं हमारी फिफ्थ एंड लास्ट कैटेगरी पर, हमारी फेवरेट कैटेगरी, दैट इज टैक्सेस। हम सब टैक्सेस में स्लैब रेट क्या होने वाला है, क्या अपडेट होने वाली है उसमें, ये जरूर देखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी टैक्सेस में और बहुत सी चीजें हैं देखने वाली। फॉर एग्जाम्पल, आपको इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट या फिर कैपिटल गेन फ्रॉम सेलिंग एन इन्वेस्टमेंट, इनके ऊपर क्या टैक्सेस लगने वाले हैं ये भी आपको देखना चाहिए। बिकॉज आपकी एडिशनल इनकम टैक्स होने के बाद कितनी रह जाएगी इससे हमें ये पता चलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड टू लुक फॉर GST ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स एंड अदर देन दैट एक्साइज ड्यूटी एंड VAT ऑन सम स्पेशल प्रोडक्ट्स लाइक अल्कोहल एंड पेट्रोलियम। ये सारे ही टैक्सेस देखने के बाद एक्चुअली आपको पता चलेगा कि आपके घर का बजट कैसे चेंज होने वाला है। नाउ लेट्स क्विकली समराइज एंड डिस्कस कि हम बजट में क्या देखने वाले हैं एंड वो हमें कैसे अफेक्ट करता है। एज एन इन्वेस्टर आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर क्या टैक्स होने वाला है एंड कैपिटल गेन क्या होने वाला है, ये आपके एसेट्स के प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है। मोर ओवर रिपोर्ट्स फ्रॉम GDPs, नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स दैट हैव ओपन्ड अप हमें ये बताते हैं कि हमारी कंट्री का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, जो इनडायरेक्टली ये बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। एज अ ब्रेड ओनर ऑफ द फैमिली आपको भी बजट देखना जरूरी है, बिकॉज आपको बजट से ये पता चलता है कि कौन से टैक्सेस आपके ऊपर अप्लाई होने वाले हैं, किस रेट पर अप्लाई होने वाले हैं एंड इसके अलावा गवर्नमेंट कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग एक्सेट्रा। एंड लास्टली एज एन बिजनेस ओनर आपको बजट में ये देखना चाहिए कि आपके पास फाइनेंसिंग ऑप्शंस कौन से होने वाले हैं एंड आपकी या फिर आपके अलाइड सेक्टर्स में आपको कौन से इंसेंटिव्स मिलने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा एंड नाउ दैट व्हेन यू सी द बजट यू नो व्हाट टू सी एंड हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी इन्वेस्टिंग।